स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर पेज को मैं रन करा दे रहा हूं। आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, नेम पासवर्ड लॉगिन का बटन, क्रिएट एन अकाउंट का लिंक। इससे आगे बढ़ते हैं, क्रिएट एन अकाउंट के लिंक पर क्रिएट करने के बाद एक बेसिक सा फॉर्म एचटीएमएल में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, मुझे क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट जो भी हमने पेज बना रखा है इस पर्टिकुलर पेज को बनाना पड़ेगा। मैं कॉपी किया, और लेट्स से ये पर्टिकुलर नाम ध्यान देना, न्यू फाइल मैं लिखा क्रिएट एन अकाउंट डॉट एस टी एम एल, सेम नाम देना है। वर्किंग करते समय ये ध्यान दें कि जो आपने लिंक में नाम दिया है उसी नाम से मैंने पेज भी क्रिएट किया, ठीक है। देखो मैंने सिंपल सा काम करना है, सिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क, पेज क्रिएट। फॉर्म क्रिएट करने के लिए बॉडी सेक्शन के अंदर फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म क्लोज, कुछ इस तरह मैं लिखना फॉर्म, और कंप्लीट फॉर्म इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं। किस तरीके से, इसके अंदर लास्ट टाइम पे हमने जो काम किया वही हम लोग कर, ठीक है। बेसिक सा पहले नेम और पासवर्ड के लिए बनाते हैं, क्या कॉमनली चीजों को ध्यान रखना है वो याद। देखो लेबल, लेबल फॉर जिस चीज के लिए बना रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेम के लिए बना रहा हूँ तो नेम, ठीक है। बेसिकली टैग मान के चलो कि हम किसी बोतल पे एक लोगो लगा रहे, ठीक है, वो लेबल है। अच्छा, लेबल फॉर समथिंग, और एंटर नेम लेट से मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद मुझे इसके आगे एक बॉक्स बनाना है, तो मैं लिखता हूँ इनपुट। इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट, खुद से क्रिएट। नेम लिखना मैंडेटरी है अभी जब हम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, तो मैंने एक नाम दे दिया, इससे उसका नाम दिया एनएम। क्यों देना मैंडेटरी है, जब हम सबमिट पे प्रेस करते हैं तो ऊपर यूआरएल पर नाम के साथ में वैल्यू जाती है, ठीक है, इसलिए मैंडेटरी है। अभी हम यहाँ पर एक लेट से मैंने बी आर किया, ब्रेक द रूलर, नाइन को ब्रेक, बी आर को मैं सेल्फ क्लोज कर देता हूँ, अभी से आदत रख रहा हूँ। फ्यूचर कभी भी मैं किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे जाऊंगा तो बी आर को मुझे सेल्फ क्लोज करना, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले सिस्टम पे अभी क्या है, मेरी साइट लाइव नहीं है ना, ठीक है, मैं सिंपल पढ़ा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस किया, मैंने राइट क्लिक किया और रन करा दिया, ठीक है, और जाकर देखता हूँ। अच्छा, मान लो अगली लाइन पर मैंने एक बटन बना दिया, तो नोटिस करना इस वाले पेज पर ये मैंने सिंपल सा रन कराया है और मैंने एक बटन बना दिया अगली लाइन पर, तो मैंने बी आर सेल्फ क्लोज किया और इनपुट। ध्यान ये रखना है, जब भी फॉर्म बना होगा तो अंदर बटन क्या बनेगा, सबमिट बनेगा। अभी के केस में धीरे धीरे समझ में आएगा क्यों, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट है, इनपुट टाइप अगर बटन बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट का केस, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आता है। अच्छा, जितने बच्चों का सिलेक्शन भी होता है अगर पढ़ाए हुए, ठीक है, तो कभी मेरे को मौका मिले तो मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा। भाई लगता है किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने में कम से कम 3 से 6 महीने अगर आप उस पर लगे रहोगे तब, ठीक है, और आपने अगर बीच में छोड़ा तो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और आप क्योंकि हमारा माइंड थोड़ा डेवलप है तो हम अचानक से आगे सोचेंगे, ठीक है। अभी की केस में हमें स्थिर रहना है, ना आगे सोचना है ना पीछे, जो चल रहा है सिर्फ उतना ध्यान, ठीक है। क्यों होगा, जावास्क्रिप्ट में होगा, उस समय जब आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सामने वाला एक एक्सपीरियंस है, उसने बोल दिया कि भाई जावास्क्रिप्ट में होगा, बट आपको खाली पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जब वर्किंग आएगी तब खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे। अभी हमने लेट से सेफ का एक बटन बनाया, अब देखो मैंने सेफ का एक बटन बनाया, वैल्यू सेफ लिख दी। जाकर अगर पेज पर देखता हूँ तो मुझे नई लाइन दिखती है, ठीक है। ये लोकल होस्ट है, मतलब मैंने अपने सिस्टम पे बनाया, ठीक है, और मैं अपने सिस्टम पर ही रन करा रहा हूँ, ये साइट लाइव नहीं है, ठीक है। अब लाइव का मतलब क्या होता है कि मैंने कहीं से डोमेन परचेस किया होगा, ठीक है, और मैं इस साइट को उस पर्टिकुलर डोमेन पर चला रहा होता, जैसे लेट्स से मैंने खरीदा होता अमिताभ बच्चन.com,
ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डॉट कॉम पर अगर मुझे ये चीज दिखानी होती यार करके न्यू लाइन दिखानी होती। अब अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, जैसे मैंने गूगल सर्च किया न्यू लाइन इन एचटीएमएल, सिंपल सा अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, बीआरई मिलता है। ठीक है, अच्छा मैं यहां पर बोलता हूं कि लाइन को जब बेच कर बनाने की कोशिश करें तो इसको क्या किया करें, सेल्फ क्लोज किया करें। मैं इसलिए बोलता हूं कि जब साइट लाइव होती है ना उस टाइम पर ये बीआर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और इन फ्यूचर आप टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप एचटीएमएल पर सीमित नहीं हो। एचटीएमएल क्या है, जैसे होता है ना कि मुझे हिंदी बोलनी है तो आपको अवा को तो आनी चाहिए। ठीक है, अब आप वेब डेवलपमेंट के सिनारियों में अगर मूव करते हैं, आपने कहा मुझे वेब डेवलपमेंट करना है तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, समझ रहे? मतलब अब आपको बनानी है वेबसाइट, बट एचटीएमएल सीएसएस क्या है, बेसिक है। आपसे कोई अवा को तो नहीं पूछता ना, केजी वाले केस में पूछते हैं अवा को। अब ऐसा सिनारी हो गया है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, मतलब हर एक बच्चे को कॉमनली वेब डेवलपमेंट में आना चाहिए। अब इस HTML का यूज कल के दिन इन फ्यूचर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप, हो सकता है आप React JS की टेक्नोलॉजी सीखो फ्रंट एंड पे, हो सकता है आप Next JS सीखो, आप Vue JS सीखो, आप Angular JS सीखो, क्योंकि वो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, 2022 के सिनारी में वो सीखना ही पड़ेगा। अब जब वो सीखना पड़ेगा तो उस टाइम पर जब आप BR लिखेंगे तब भी आप BR को क्या करते हैं उस समय, सेल्फ क्लोज करते हैं। तो आपको पहले से अगर आदत बनी रहेगी सेल्फ क्लोज की, एक तो डोमेन के सिनेरियो में मैंने बोला जब लाइव होता है, ठीक है, और इन फ्यूचर जब आप टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ेंगे तब आपको बीआर सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा। लोकल उसमें सेम करते हैं बेटा, तेरे सिस्टम पे ही कर रहे हैं। ठीक है, लाइव करते समय एरर देता है टेस्टिंग में बीआर, तब सेल्फ क्लोज करना पड़ता है। काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, हमें थोड़ी दिखाया देगा, मैं तो इसी सिस्टम पे चला रहा हूँ, तो मैंने बीआर सेल्फ क्लोज किया नहीं किया मुझे थोड़ी पता चलेगा उस समय। अच्छा, उस समय के केस पे अगर हम जो गएंगे तो इन फ्यूचर आप जैसे ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है, इसको भी सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा, जैसे ये क्लोज नहीं है ना। ठीक है, इसे भी क्या करना पड़ेगा, सेल्फ क्लोज करना पड़ेगा। तो यहां पर अभी इस पे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल ये भी पता चलता आएगा तो बाद में आपको ये लाइन पता रहेगी कि सेल्फ क्लोज इसलिए करना पड़ता। ठीक है, अच्छा आगे देखो ये वाला पेज। अब एक्सेस पे क्या लिखते हैं, जिस पेज पर आपको डेटा सेव करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर सेव डॉट, अगर पाइथन पढ़ रहा होता तो पीवा, जावा पढ़ रहा होता तो जीवा, जावा पे जीएसपी, टफनेस पढ़ रहा होता तो एएसपी, और अगर पीएचपी पढ़ रहा होता तो पीएचपी, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज क्या है, वेब डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, मैंने कंट्रोल प्लस एस किया सेव। होता क्या है, जब मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी टाइप करता हूँ एनएम के थ्रू, ये जो वैल्यू मैंने टाइप करी है वो वैल्यू सेव डॉट पीएचपी पर जाती है। ठीक है, आप देखना ये मेरे पास पेज है, मैंने मान लो कुछ भी टाइप किया, मैंने लिखा अंकित सेव पे प्रेस किया तो सेव डॉट पीएचपी वाले पेज पर जा रहा है एनएम के थ्रू, क्या जा रहा है अंकित जा। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अच्छा, जब भी हम मान लो इस वाले पेज पे जब हम स्टार्टिंग से, लेट्स से ये बना रखा है मैंने, मैं ये चाहता हूँ कि अंदर से इस पर लिखा हुआ आए एंटर नेम, जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक अगर चलाएं तो फेसबुक पर आप देखते हैं, जैसे ये अगर मैंने इस पे कोई डेटा नहीं डाल रखा है, जैसे ये मेरी पासवर्ड वासवर्ड ना पड़ा हो, तो आप सिंपली अगर इसे चेक करते हैं तो आपके पास एंटर ईमेल और फोन नंबर या पासवर्ड ऐसा लिखा हुआ आता है, जब आप टाइप करते हैं तो फिर ये गायब हो जाता है, ये प्लेस होल्डर से आता है। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, अगर आप प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्लेस होल्डर ऐड किया और इसके अंदर बॉक्स पे मैंने लिख दिया एंटर नेम तो मुझे बॉक्स पर एंटर नेम लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, मैं इस पे टाइप करने लगूंगा तो ये एंटर नेम गायब हो जाएगा। तो अंदर अगर लिखना है टेक्स्ट बॉक्स पे तो वो प्लेस होल्डर, ठीक है, वो टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं किसी पर भी एट्रीब्यूट है। ठीक है, आगे बात पे फोकस करते हैं। अब जब आप ये वाली वेबसाइट को चला रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस facebook.com वाली वेबसाइट को चलाया, आप नोटिस करना एक बात पर, ये पर्टिकुलर वेबसाइट अगर ये रन होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे अगर मानो मैंने इसे रन किया, ये तो मेरे पास एंटर होके आ रहा है, बट आप नोटिस करो इस पे एक
कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, पहले से ही। ऐसा ही मुझे चाहिए कि भाई जब मैं ये वेबसाइट को चलाऊं तो इस पे भी क्या चाहिए मुझे, पहले से ही कर्सर चाहिए, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं फोकस करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, मैंने दे दिया ऑटो फोकस, एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी। तो जैसे ही मैं ऑटो फोकस लिखता हूँ, जिस पे भी ऑटो फोकस लिखूंगा उस पे पहले से क्या रहेगा, ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, ऑटो फोकस से ऐसा। अच्छा, अगर मान लो मैं इस पे टाइप कर रहा हूँ, काफी सारी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज है इस तरीके, मान लो मैं इस पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस पे टाइप ना हो पाए, कभी ऐसा सिनारियो बन सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे इस पर अगर आप लिख देते हैं रीड ओनली, ठीक है, अगर आपने इसे रीड ओनली लिख दिया है तो जो इस पर टाइप है कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप पहले से इस पर कुछ रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी ऐसा सिनारियो बनेगा, इन फ्यूचर में बनते हैं ऐसे सिनारियोस, ठीक है, आपने एडिट पर क्लिक किया, एडिट पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो, उस पर आप नेम को चेंज ना करना चाहें, सिर्फ क्या चेंज कर पाए, पासवर्ड चेंज नहीं कर पाए, ऐसा कुछ सिनारियो अगर आएगा इन फ्यूचर तो उस समय ऐसी जरूरत पड़ेगी, तो आपने क्या करना है, जैसे रीड ओनली लिखा, पहले से इस पर कुछ डला हुआ हो तो वैल्यू बोलते हैं उसे, जैसे पहले से इस पर क्या लिखा हुआ देखे, अंकित लिखा हुआ देखे, बट मैं उसे चेंज ना कर पाऊं तो मैंने उसे क्या कर दिया, रीड ओनली कर दिया, देखो अंकित पहले से लिखा है बट मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो वैल्यू है। अगर मैं सेव पे प्रेस करता हूं तो आप देखिए एनएम पर क्या जा रहा है, वैल्यू जा रही है, एनएम मतलब नाम के साथ में वैल्यू जाती है, कहां पर, सर्वर साइड, सर्वर साइड पर हम इस वैल्यूज को गेट कराते हैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाते हैं और डेटा को सेव कर देते हैं, वो कहां पर भी हो सकता है, पीएचपी पे हो सकता है, .NET पे हो सकता है, जावा में, जेएसपी में हो सकता है, ठीक है, और पाइथन में हो सकता है, जेंगो में, ठीक है, जो भी वेब डेवलपमेंट के सिनेरियो की लैंग्वेजेस होंगी उन पर हो सकता है। पेज पर आए वापस, तो ये बेसिक सी बात को समझूंगा। अगली चीज, अगर मान लो मुझे इसी के आगे पासवर्ड बनाना होता तो मैंने लिखा लेबल फॉर पासवर्ड और यहां पर अंदर एंटर पासवर्ड बॉक्स बनाना है, इनपुट टाइप जो रहेगा पासवर्ड रहेगा, नाम लिखना मैंडेटरी है, याद रखना है क्योंकि इसके थ्रू डेटा सर्वर पर जाएगा, हमें यूआरएल पर देखते हुए चलना है क्योंकि बैकएंड के डेवलपर के लिए हेल्प लगती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नई लाइन बनाने के लिए बीआर कर दिया और इसे मैं सेल्फ क्लोज करते हुए चल रहा हूँ। मेरे पास एंटर पासवर्ड लिखा है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड पे कुछ भी डाला, सेव पे प्रेस किया तो मुझे नाम और पासवर्ड ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी काम करता हूँ तो सेम टाइम पर चेक करते हुए चलता हूँ, फिर से फोकस करना, मैं पूरा पहले कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने कोई काम किया है तो चेक करते हुए चलता हूँ। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल पे, मॉर्निंग में अगर मैं चाय बना रहा हूँ तो चाय बनाते समय मैं चीनी पड़ी नहीं पड़ी, कभी कभी मैं चेक करते हुए चलता हूँ उसी टाइम पर, ठीक है। ऐसा वाला सिनेरियो, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बन जाए उसके बाद चेक करें, आप फंस सकते हैं, ठीक है। आपने कोई कोड लिखा है तो आपको सेम टाइम पर चेक करते हुए चलने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि हम हमेशा ऐसा करेंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, चेक नहीं करेंगे कि सही बना नहीं बना उसी टाइम पर। मुझे इसके अंदर अगर डेटा लिखना होता, जैसे मुझे लिखना होता है एंटर पासवर्ड, तो मैंने प्लेस होल्डर ऐड किया और प्लेस होल्डर के अंदर जो भी कुछ लिखना है आपको, आप उसे लिख सकते हैं। जाकर अगर पेज पर देखता हूं तो ये पेज पर एंटर पासवर्ड लिखा हुआ दिख रहा है जो हम बना चुके थे। अगली बार अगर मुझे मान लो एड्रेस गेट कराने हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा एड्रेस गेट कराने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स आता है, ठीक है, जैसे परमानेंट एड्रेस, या फिर अगर आपको करंट एड्रेस ऐसा कुछ लिखना है तो आप क्या लिखते, आप लेबल ही बनाते, कुछ अलग का तो है नहीं, मैं एक लेबल बनाता, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया है लेबल फॉर एड्रेस और इसके बीच में क्या लिखा हुआ चाहिए, वो लिखा हुआ चाहिए एंटर एड्रेस, तो आपने एक एंटर एड्रेस लिखा, आप आगे बढ़े। अच्छा, एड्रेस के आगे एक बड़ा सा रेक्टेंगल जैसा बॉक्स चाहिए, ठीक है, वो बनता है टेक्स्ट एरिया से, ठीक है, वो बनेगा किससे, टेक्स्ट एरिया से, बस पॉइंट याद रखना होता है, बनाते बनाते याद हो जाती है। आपने लिखना है टेक्स्ट एरिया, देखो टेक्स्ट एरिया, मैं टेक्स्ट एरिया लिख रहा हूँ, बी एस कोड हेल्प करेगा,
ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट एरिया खुद से आया, मैंने इंटर प्रेस कर देना है। एमिटेबल विसल लेफ्ट हैंड साइड पर बनी हुई आ रही है कि कैसा बनेगा, टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू समथिंग, आईडी इक्वल टू समथिंग, बाय डिफॉल्ट कॉलम्स आएंगे 30, रोज आएंगी 10, ठीक है, खुद से बनेगा। अच्छा, पहले का सिनेरियो होता, अगर यही चीज मैं आपको 2014 में पढ़ा रहा होता तो मैं आपको लिख के बताऊं, नोटिस करना मेरी बात को, 2014 पे जब मैंने पढ़ाया तो मैंने लिख के पढ़ाया, ठीक है, कैसे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू दिस, आईडी इज इक्वल टू दिस, रोज इज इक्वल टू दिस, कॉल्स इज इक्वल टू दिस, ऐसे पढ़ाया। बट आज के सिनेरियो मैंने क्या बोल दिया आपको, ये कॉमन चीज है भाई, ये आनी चाहिए। अब ये जब वीएस कोड आपको हेल्प कर रहा है तो क्या आप रट्टू दूधे की तरफ पढ़ोगे, नहीं, पेपर में पूछा जाने वाला नहीं है, ठीक है, तो जब बन रहा है तो क्यों नहीं उसको सिनेरियो को समझते, आपको कॉलेज से तो बाहर निकलना है ना, पेपर नहीं होने वाला, ध्यान दे रखो, ठीक है, इंटरव्यूअर नहीं पूछने वाला है टेक्स्ट एरिया क्या है, ये तो आना चाहिए वाला सिनेरियो हो गया, तो क्या याद करना है, नहीं, जब बनाकर देखना है तो बनाकर देखो ना बस, क्लियर हो रही बात है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है आईटी के अंदर, आपको क्या आना चाहिए उस तरफ मूव करना है, क्लियर, तो ये बेसिक बातों को ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस एस। हमने यहाँ पर रोज और कॉलम्स बाई डिफॉल्ट आ रहे हैं। अच्छा, पहले अगर 2014-15 में मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ ना, तो इंटरव्यूअर ने ये भी पूछा है कि बाई डिफॉल्ट कितनी रोज आती हैं टेक्स्ट एरिया में, बाई डिफॉल्ट कितने कॉलम्स आते हैं, बट अब नहीं पूछता, ठीक है, वो सिनेरियो 15 का था, 2014 का था, अब सिनेरियो चेंज है, मतलब अभी भी बुक में तो ऐसा ही लिखा है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे होते तो आपका टीचर इसे लिख के ही पढ़ाएगा, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भी वो लिख के पढ़ाएगा, अगर अच्छे से पढ़ाने वाला कोई कॉलेज मिल गया तो, ठीक है, वरना खुद से बनता है। अब कैसे, मैंने कंट्रोल प्लस एस सेव किया, नेम लिखना मैंडेटरी है, मुझे याद है ये चीजें, मैंने लिखा ऐड कोई भी नाम, आईडी अभी नहीं, आईडी का यूज जावास्क्रिप्ट, यहां पर पेज पर देखा तो बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट एरिया एक बड़ा सा बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक है, और सेव को अगर मुझे नई लाइन पर लेके आना है तो मैं नई लाइन पर कैसे लेके आता, मैं इसके नीचे बीआर करता, डिजाइनिंग का काम सीएसएस करता है, फिर सिर्फ फोकस करना, डिजाइनिंग का काम सीएसएस करता है, एचटीएमएल सिर्फ और सिर्फ टैग को लिखता है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता सर, मैं टेक्स्ट एरिया को बीच में लेके आऊं, नीचे लेके आऊं, कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये काम कौन नहीं कर सकता, एचटीएमएल नहीं कर सकता, फोकस करना बातों पे, ठीक है, हमारा दिमाग घूमता है आगे, मैंने क्या बोला, बड़े हो चुके हैं तो दिमाग, बचपन में टीचर और पढ़ा रहा था तो हमारा दिमाग कॉपे जाता ही नहीं था, ठीक है, अभी हमारा दिमाग क्या करेगा, मूव करेगा, हमें सर ये बीच में लेके आओ, सर ये नीचे लेके आओ, ऐसा करेगा, भाई काम किसका, सीएसएस का, ठीक है, अगली चीज पे फोकस करना, जब टेक्स्ट एरिया बन रहा है तो टेक्स्ट एरिया अभी रिसाइजेबल है, टेक्स्ट एरिया जो है वो क्या है, रिसाइजेबल है, ठीक है, मैं खुद से इसे क्या कर पा रहा हूँ, बढ़ा पा रहा हूँ कर्सर को रखकर, ये भी मैं रोक सकता हूँ, सीएसएस से भी रोक सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट से भी रोक सकता हूँ। अब देखिए, अगर बंदा 15-16 में काम करता हूं, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट को यूज करता था इसे रोकने के लिए, क्या ना हो, रिसाइज ना, तो किससे हो सकता था, सिर्फ जावास्क्रिप्ट से। अब क्या हुआ, सीएसएस में प्रॉपर्टी आ गई, रिसाइज करके प्रॉपर्टी है, अगर आप रिसाइज पे नन लिख देते हो तो क्या नहीं हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता। तो अब सिनेरियो कहां पर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मूवमेंट के एरिया पर है, आप उस समय पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी को जब क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, मतलब आईटी अपडेट हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा, आप किताब से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही काम रिसाइज ना हो, ये काम जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता है और यही काम सीएसएस से भी हो सकता है, मैं पॉइंट भी नोटेड अभी नोट कर रहा है, जब आएगा तो बना देंगे, ठीक है, एचटीएमएल से नहीं हो सकता, एचटीएमएल में सिर्फ ऐसा होता है। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं एचटीएमएल में, जैसे इतना बड़ा आ रहा है, हम एचटीएमएल में अपने हिसाब से इसको कॉलम्स और रोज कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को कॉलम्स कम करनी होती तो मैंने 20 लिखी, ठीक है, कुछ भी, अब ये मुझे नहीं पता होता है कि स्क्रीन में 20 करने पर कितना बनेगा, ठीक है, मैंने यहां पर क्या कर दी, 5 कर दी, कंट्रोल प्लस एस सेव, ये देखो ये कम ज्यादा कर सकता हूं मैं, ठीक है, तो 20 करने पर कॉलम्स हमें पता होना चाहिए वर्टिकल और रोज हमें पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो मैं कम ज्यादा रोज और कॉलम्स को कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट मैं रिसाइज नहीं कर सकता हूँ एचटीएमएल में, एचटीएमएल से नहीं, ये काम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का है। और अगली चीज जो मैंने बोली कि भाई ये इंटर नेम बीच में जाए ऐसा कुछ हो, ये काम सीएसएस का है,
देखो आगे बढ़ते हैं। लेट्स से मान लो मुझे ऐसा कुछ बनाना हो, सिलेक्ट सिटी और उसके आगे ड्रॉप डाउन बॉक्स, ठीक है, उसमें काफी सारी सिटीज के नाम, ठीक है, तो वो कैसे बनता, मुझे लिखना है लेबल, लेबल फॉर किसके लिए, सिटी के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिटी लिखा और लिख दिया क्या सिलेक्ट सिटी। अब वो कैसे बनता है, वो बनता है सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस बनाकर, ठीक है, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस बनाकर। तो क्या करना है, सिंपल सा सिलेक्ट लिखो, अच्छा सिलेक्ट लिखता हूं तो खुद से ही बन जा रहा है, ठीक है, मैंने को कुछ नहीं करना, वीएस कोड हेल्प करता है। मैंने क्या बोला, आपको बनाना सीखना है, ठीक है। आज की डेट में मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है, हो सकता है उन्हें थ्योरी ना आती हो, टेक्निकली स्ट्रांग है, बट एक पॉइंट पे और फोकस करें, जो मैंने अभी बात बोली इस बात पर, परसों इंटरव्यू चल रहा था यहाँ पर, आपके बाद वाला ही बैच है 11:40 वाला बैच, ठीक है, उसमें से दो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, काफी सारे स्टूडेंट आए थे, ठीक है, उनका ही हुआ, सिर्फ नोएडा से भी स्टूडेंट थे काफी जगह, बट मैंने एक प्रॉब्लम देखी स्टूडेंट के अंदर, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आप लोग पढ़ाने के बाद टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हैं, आप जब इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर कभी भी अपना वीक पॉइंट ना बोले। काफी सारे स्टूडेंट ने क्या किया, जब आपका पहला राउंड चल रहा है, दूसरा राउंड चल रहा है, सामने वाला बंदा आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है और आप उसे आंसर देते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। आपको जो आता है आप उस पर आंसर दीजिए, आपको अगर हिंदी आती है तो आप हिंदी में आंसर दीजिए, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में आंसर दीजिए, ठीक है। आपको ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, वो आपसे ये पूछ रहा है आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आपसे जितना पूछा गया सिर्फ उसका आंसर होना चाहिए। आईटी के अंदर काफी सारे बंदे ऐसे हैं जिन लोगों को अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, अपना वीक पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, मुझे आपको अगर पढ़ाना है तो क्या मैं आपको वीक पॉइंट बताऊंगा अपना, नहीं बताऊंगा ना, मैं आपको क्या दिखाऊंगा अपना, पॉजिटिव चीजें, जो वीक पॉइंट होगा उसको अंदर रखूंगा, ठीक है। तो सेम सिनारियो जब भी आप इंटरव्यू दें, ठीक है, लैंग्वेज देखो, मैं भी पहाड़ से हूँ तो मेरी लैंग्वेज अलग होगी, आप हरियाणा से हैं तो आपकी लैंग्वेज अलग होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता हम मदर अंदर से ही सीख के आए हुए इंग्लिश, ठीक है। एवरीवन नोज दीज थिंग्स, इवन इन द आईटी सेक्टर और इन द वर्ल्ड, एवरीवन नोज, इफ यू आर इंडियन यू कैन स्पीक इन हिंदी मच बेटर देन इंग्लिश। तो कभी भी ऐसा कुछ सिनेरियो आए अपनी लाइफ में तो वीक पॉइंट ना बताएं, ठीक है। और सिनेरियो सबको पता है, आपको दिखाना पड़ता है पेज बनाकर, इंटरव्यूअर जानता है, वो बेसिकली यही चाहता है कि आप बनाकर दिखा सकते हो नहीं बना सकते, मतलब टीचर की तरह थ्योरेटिकल पे बात तो नहीं कर रहे हो, 3 से 6 महीने लगते हैं। देखो सिनेरियो टू सिनेरियो है, कभी कभी क्लाइंट को हमें एक दिन के अंदर ही शाम को 11-12 बजे तक रिपोर्ट करना पड़ता है रात को, ठीक है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है, जैसे घर के अंदर मुझे कारपेंटर लगाना है ना, कल के दिन अगर मेरे मेहमान आने वाले हैं, जैसे कल के दिन पूजा है, गृह प्रवेश कराना है, तो मुझे आज ही सारा काम कराना है, आईटी ऐसा है। इंटरव्यू के टाइम पे नहीं बनवाने के लिए देता है, इंटरव्यू पे तो आपको स्किल पे ही चेक कर देगा बंदा, ठीक है, आपसे 4 क्वेश्चन पूछ के, पोजिशन क्या है, टैग क्या होता है, डॉक टाइप क्या होता है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछ के आपसे चेक कर लेगा कि आपको आता है नहीं आता, क्योंकि आंसर देने में पॉजिटिवनेस होती है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ठीक है। एक एक्सपीरियंस का, अच्छा अगर मैं नया टीचर होता, ठीक है, तो मेरे पढ़ाने में और एक एक्सपीरियंस पढ़ाने के टीचर में आप खुद नहीं डिफरेंस निकाल पाते हैं ऐसे कॉमन सेंस से, ठीक है। एक नई नई घर पे बहू आई होगी तो आपको खुद उसे चेक करना पड़ता है कि यार इसके पास मसाले हैं या नहीं, ऐसा सिनेरियो तो प्रोफेशनल टीचिंग में भी एक चीजें होती हैं। बेसिकली हम भी ऐसा चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारे लिए कुछ करके दे, पहले बना कर दे, फिर हमसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, मतलब ऐसा ना, ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट क्या करे, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप करे, मतलब बिना बनाए, ठीक है। और पहले कुछ टाइम तक हम भी ये टाइम देते हैं कि यार पहले तो खुद से रिसर्च कर, खुद से कर, ठीक है, जब तू बिल्कुल नहीं कर पाएगा तब तेरे सामने मैं, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी एबिलिटी आप खुद क्रिएट कर जाओ,
ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं थ्योरी से हटके, ठीक है। बनाकर देखना जाता है, ऐसा थोड़ी कि रट्टू मार के चेक करना है। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है तो क्या करो, सिलेक्ट बनाओ, नेम देना मैंडेटरी है। लेट्स से मैंने सिटी के लिए नाम क्या लिख दिया, सिटी लिख दिया। अच्छा, इसके अंदर बनने हैं ऑप्शंस, तो आपने लिखा ऑप्शन, ऑप्शन एंटर, ठीक है। जब मैं ऑप्शन लिखता हूं तो वैल्यू एक लिखा हुआ आ रहा है, अभी रहने देते हैं, वैल्यू का काम होगा इस पे। जैसे मैंने पहला ऑप्शन पे लिख दिया यूपी, इसी तरीके से मैंने अगला लिख दिया ऑप्शन जैसे दिल्ली, फिर मैंने एक ऑप्शन बनाना है तो मैं इसके अंदर आया, ऑप्शन जैसे मैंने इस पे लिख दिया गुरुग्राम, इसी तरीके से मैंने एक ऑप्शन और बनाया, और एक्सिस पर लिख दिया मैंने एमपी। इस तरीके से कुछ मैंने ऑप्शंस बना दिए, किसके अंदर, सिलेक्ट के अंदर। लाइन को ब्रेक करने के लिए मैंने इसके नीचे बीआर कर दिया। जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बना है जिसमें यूपी सबसे पहले सिलेक्टेड आ रहा है। जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो सिलेक्टेड आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहला ऑप्शन सिलेक्टेड सिटी का बना देता, अगर मैं यहां पर पहले ऑप्शन पे क्या लिख देता, सिलेक्टेड सिटी, जैसे मैंने लिख दिया सिलेक्टेड सिटी, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या बना हुआ था, सिलेक्टेड सिटी बना हुआ था। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूं कि गुरुग्राम सबसे पहले सिलेक्टेड आए, ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूं कि गुरुग्राम सबसे, या कोई भी चीज, कोई भी सबसे पहले सिलेक्टेड आए, तो आपको क्या करना होता, उसके अंदर जाकर सिलेक्टेड प्रॉपर्टी लिखनी होती ऑप्शंस। पास जब मैं देखता हूं तो मुझे सिटी पर सिटी जाते हुए नहीं दिखती है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस के अंदर वैल्यू बनी हुई है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जो ऑप्शन हमें आगे लिखे हैं वही ऑप्शंस, जो वैल्यू हमने लिखी है वही वैल्यू साथ में हमने अगर यहां पर लिख दी दिल्ली, और लेट्स से मैंने इस पर लिख दिया क्या प्रोग्राम, और यहां पर लिख दिया मैंने एमपी, तो हमें ऑप्शंस के अंदर साथ में वैल्यू लिखनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड बॉक्स है, एड्रेस वाला बॉक्स है, उस पर तो हम टाइप कर रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं वो होती है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इस वाले पर हमने कुछ टाइप नहीं किया, जब हमने कुछ टाइप नहीं किया तो हमें इस पर वैल्यू खुद से देनी पड़ती है। अब मैंने अगर दिल्ली सिलेक्ट किया तो मुझे साथ में ऊपर जाते हुए क्या दिख रहा है, दिल्ली दिखता है, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं
थ्योरेटिकली क्या है, मुझे जो मैंने इनर एचटीएमएल पार्ट पे ऑप्शंस के अंदर इनर एचटीएमएल पार्ट पे जो मैंने वैल्यू लिखी है उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ऑप्शंस की वैल्यू के साथ, ठीक है। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ, सेम करना पड़ता है। तो मैंने यहां पर लिखा है वही मैंने कहां पर लिखा, यहां पर लिखा वो वैल्यूज साथ में, तब मेरे को यूआरएल पर जाते हुए दिखेगी। और अब बैकएंड वाला बंदा क्या करेगा, उसको गेट कराएगा, कनेक्टिविटी बनाएगा, सेव करेगा, ठीक है। अगली चीज पे फोकस करना, इसी पर मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं। मैंने लेट से बीआर किया और बीआर के अंदर जेंडर पे बनाते हैं, ठीक है। एक तरफ जेंडर लिखा हुआ हो और मेल और फीमेल बने हुए हैं ऐसा कुछ, उसको कैसे बनाते हैं। मैंने लिखा लेबल फॉर, किसके लिए, जेंडर के लिए, जो भी लिखा हुआ चाहिए आपको। लेट से मैंने सेलेक्ट जेंडर ऐसा कुछ लिख दिया और जाकर मैं इसके अंदर देखता हूँ। तो आप जेंडर पे आप देखिए, आपने एक लेबल लिखा, लेबल फॉर ऐसे मेल लिखा हुआ आ जाए और आपने मेल लिखा, और मैं इसे बीआर कर देता हूँ कि क्या बन रहा है मुझे दिखाई दे। पेज को फॉर्मेट करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट और एफ की का दबाएं, ठीक है। तो पेज क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा ऑल्ट शिफ्ट एफ की से। जाकर पेज पर वापस देखा मैंने तो मेरे पास सेलेक्ट जेंडर है और सामने में क्या लिखा है, मेल लिखा है। दो ही लेबल तो बनाया है मैंने, इसके आगे मुझे एक राउंड सा बटन चाहिए जो बनेगा रेडियो से, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लिखा इनपुट और रेडियो। नाम लिखना मैंडेटरी है तो मैंने एक नाम लिख दिया, जैसे नाम इस पे लिख देते हैं जेंडर पे जैसे जी लिख दिया, ठीक है। आईडी जावास्क्रिप्ट का काम है। अगला मुझे लेबल बनाना है तो लेबल फॉर फीमेल, उसके आगे भी राउंड सा बटन आए, राउंड सा एक गोला सा बटन सा कुछ ऐसा कुछ आए तो उसको मैं बनाता इनपुट पे रेडियो सेलेक्ट करके, कंट्रोल प्लस एस मैंने इसे सेव किया। और जाकर अगर पेज पर देखता हूँ तो मेरे पास दो रेडियो बटन आ रहे हैं। लेबल को आगे पीछे आप लिख सकते थे, या फिर मैंने इस पर मेल सेलेक्ट किया, बाकी मैंने सारे चेक कर रखे हैं। तो अब मैं सिर्फ मेल और फीमेल पे बात कर रहा हूँ, मैंने मेल सेलेक्ट किया और फीमेल सेलेक्ट किया, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो अब इनपुट टाइप से मैंने क्या बना दिए, रेडियो बटन बना दिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने इस पर नाम दे रखा होता जीवन और एक पे क्या दिखा है जी, नोटिस करना इस बात पर, ये पॉइंट है, बाकी सब बन जाता है, हमें पॉइंट नोट करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आए मेल फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर सिनारे पर आपको ये ध्यान देना है कि जब आप रेडियो बटन बनाते हैं तो दोनों रेडियो बटन या जितने भी रेडियो बटन बने हों, क्योंकि आपको एक ही सिलेक्ट करना है तो नेम उस केस में सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने दोनों पे नाम क्या लिख दिया, अब जी लिख दिया, तो आप कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। जाकर पेज पर चेक करो, जैसे मेल किया या फिर फीमेल, ठीक है। अगली चीज पे फोकस करना, मैंने अगर मेल सिलेक्ट किया यहाँ से और सेव पर प्रेस किया तो जी पर क्या जा रहा है, ऑन। मैंने नाम तो क्या लिखा है जी, मगर सिलेक्ट क्या किया था, मेल, ठीक है। अब जब यहां पर आपको नोटिस करा था, मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा भाई जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या टेक्स्ट एरिया है जो आप टाइप करते हैं वो वैल्यू होती है। अब यहां पर तो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर आपको ऑप्शंस के अंदर क्या देनी पड़ी, वैल्यू देनी पड़ी। यहाँ पर भी जब आप रेडियो बटन बना रहे हैं ना तो उसके साथ में आपको वैल्यू खुद से ऐड करना पड़ेगा एट्रीब्यूट, ठीक है। अब इस पर क्या जाए, आगे सामने में लेबल कौन सा बना है, मेल बना है, तो इस पर जाए मेल जब ये सिलेक्ट हो, ठीक है। और जब ये मैंने फीमेल सिलेक्ट किया है तो इस पर क्या जाए, फीमेल जाए, ये मेरे को देना पड़ता है, ठीक है। तो सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस के अंदर वैल्यू मुझे देनी पड़ती है। रेडियो बटन के केस पे भी मैंने अभी देखा कि मुझे वैल्यू खुद से देनी पड़ती है। लेट से मैंने फीमेल सेलेक्ट किया, से प्रेस किया तो जी पर अभी क्या जा रहा है, फीमेल जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट होते हैं, हम सिर्फ इतना नोट करते हैं, रट्टू तोते की तरह सारा थोड़ी नोट करते रहते हैं। फिर से मुझे हॉबीज के लिए बनाना है और कुछ चेक बॉक्सेस उसके अंदर बनाने हैं।
ठीक है, तो कैसे बनता, मुझे लिखना होता लेबल, लेबल फॉर से हॉबीज मैंने लिख दिया, एस डबल बी एस ओ डबल बी एच ओ बी बी आई एस हॉबीज, ऐसा कुछ मैंने एक लेबल लिखा। अब लेबल के आगे यहाँ तो मेरे पास ये हॉबीज का लेबल आ रहा है, इसके आगे मुझे कुछ चेक बॉक्सेस चाहिए जिसपे मैं टिक कर पाऊँ। ठीक है, तो टिक करने वाले बॉक्सेस कैसे बनेंगे, जैसे मैंने बी आर कर दिया, इससे नीचे लाइन खुद से बनी हुई आए, वो आते इनपुट चेक बॉक्स। मैंने इनपुट पे टाइप लिखा है चेकबॉक्स, तो ये इनपुट पे टाइप के चेकबॉक्स होने की वजह से क्या बनता है, ये चेकबॉक्स बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट टाइम पर भी यही बात है बोली थी मैंने कि भाई नंबर ऑफ टाइप्स है। ठीक है, नंबर लिखोगे नंबर टाइप का आएगा, फाइल लिखोगे तो वो चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, पासवर्ड लिखोगे तो पासवर्ड बन जाएगा, रेंज लिखोगे तो रेंज वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ टाइप्स है। बट वहां पर आपको नोट करना है, कोई भी टाइप आप यूज कर रहे हो, जैसे आप, मैं मान लो मैं डेवलपमेंट कर रहा होता, मेरे को नोटिस करना। ठीक है, एक किताबी कीड़ा और डेवलपर में दोनों में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे घर का प्लम्बर, उसपे और घर के दादाजी में बहुत फर्क है, प्लम्बर आएगा वही सही करेगा। ठीक है, इस चीज को नोट करना। तो जब आईटी इंजीनियर है तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है बंदा। आप कोई काम कर रहे हो, मैंने गूगल किया और रेट से मैंने लिखा नंबर टाइप, ऐसा कुछ लिख गया नंबर टाइप इन HTML, ऐसा लिखा। ठीक है, क्योंकि काफी सारे टाइप्स हैं। ठीक है, अलग से मैंने नंबर टाइप सर्च कर दिया। अच्छा, मैं नंबर टाइप में यूज करना होता इनपुट टाइप नंबर, यहाँ पर लिखा होता किस किस पे सपोर्टेबल है, ब्राउजर सपोर्ट नीचे लिखा हुआ है, यस 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 यस, मतलब सब पे सपोर्टेबल है, तब जाके मैं इसे यूज करता। ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी तो चेक करना है ना कि अगर मैं कोई टाइप लिख रहा हूँ या कोई टैग लिख रहा हूँ, क्या वो सभी ब्राउजर्स पे सपोर्टेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ब्राउजर पर है, तो मेरी वेबसाइट तो फिर स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर ब्राउजर हो जाएगी। क्लियर हो रही बात, वर्किंग सिनेरियो पर हम ऐसा भी चेक करते हुए चलते हैं। इसीलिए काफी सारे टाइप्स ऐसे हैं जो अभी वर्किंग स्टेज पर है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे हम यूज करने में लगे, कुछ कॉमन चीजें हम लोग यूज करते हैं जब हम वर्किंग कर रहे हैं। तो वर्किंग करते समय भी आप नोटिस करना, तो मैं कुछ कॉमन चीजें ही लिखता हूँ, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, ऐसे कॉमन। ठीक है, क्योंकि मुझे उस सिनेरियो पर देखना पड़ेगा नए वाले पे कि नए वाला ये पर्टिकुलर चीज सारे ब्राउज़र्स पे सपोर्टेबल है या नहीं, ऐसे वर्किंग बनती। ठीक है, अगली चीज पे नोटिस करना। अब चेक बॉक्स के आगे मुझे लेट से हॉबीज पे कुछ लिखा हुआ चाहिए, मैंने लिखा लेबल हॉबीज फॉर से म्यूजिक, ऐसा लिख दिया, और इसके आगे मुझे म्यूजिक लिखा हुआ चाहिए। फिर से मैंने एक चेकबॉक्स क्रिएट किया, तो इनपुट चेकबॉक्स लेबल पे लेट से मैंने लिख दिया फुटबॉल, इस तरीके से कुछ लिखा, और इसके बीच में मेरे को फुटबॉल लिखा हुआ चाहिए। अभी तक जो मैंने नोटिस किया है, मुझे ये पता चल गया है कि नाम लिखना मैंडेटरी है, तो मैंने एक पर लेट से सीके लिख दिया और दूसरे पर सीके वन लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ चेकबॉक्स में, ध्यान देना। ठीक है, हम पेज पर आए, हमारे पास दो चेक बॉक्सेस हैं, लेट्स से मैंने म्यूजिक सिलेक्ट किया, फुटबॉल, दोनों मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है, ऑलरेडी अलाउड है। ठीक है, ये टीचर ने नहीं किया, ऑलरेडी चेकबॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है। आप पेज पर आए, सेव पर प्रेस किया, अब सीके पे भी ऑन, सीके वन पर भी ऑन। फिर से वही पॉइंट कि भाई टेक्स्ट बॉक्स पे, पासवर्ड बॉक्स पे, टेक्स्ट एरिया पर तो जो टाइप होता है वो वैल्यू जाती है। ठीक है, अब जब मैंने रेडियो बटन बनाया था तो वैल्यू नहीं जा रही थी, तो मेरे को क्या लिखना पड़ा, वैल्यू लिखनी पड़ी। अब वैल्यूज किसको देखते हुए, उसके सामने में जो लेबल बना रखा है, तो उसके सामने में मैंने लेबल बना रखा है म्यूजिक वाला, और इसके सामने में मैंने लेबल, तो सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, ऐसा वर्डिंग है देखो। ठीक है, कि सेम चीज को क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, ऐसे वर्डिंग में थ्योरेटिकल पढ़ा रहे होते हैं। आपने फुटबॉल लिख दिया, कंट्रोल प्लस एस,
तो अभी एक पॉइंट बन गया है कि चेकबॉक्स में, सिलेक्ट बॉक्स में और रेडियो बटन में मुझे वैल्यू खुद से लिखनी पड़ती है, ठीक है। और जबकि मैं टाइप जिस पर कर रहा हूं उस पर मेरे को वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मेरा पॉइंट क्या होना चाहिए, जब मैंने कुछ बना दिया, सब कुछ बना दिया, तो मेरा फिर से वही टास्क, सब पर मैं वैल्यू खुद से डाल देता हूँ। जैसे मैंने इस पर 1 2 3 डाला, इस पर कुछ भी, जैसे गुड़गांव सेक्टर 14 ऐसा कुछ लिख दिया, गुड़गांव ऑलरेडी सिलेक्टेड रहने देते हैं, और इससे मेल म्यूजिक फुटबॉल मल्टीपल सेक्शन की सेपा प्रेस किया। तो मेरा टास्क फिर से यही होगा कि मैं यूआरएल पर सब कुछ चेक करूंगा कि भाई ये सारा डेटा यूआरएल पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल के साथ में स्पेस जा रहा है, देखो ये परसेंटेज आ रहा ना, ठीक है। तो ये भी मेरे एंड से ही सही होगा, म्यूजिक पे नहीं जा रहा, और फुटबॉल के केस में कुछ स्पेस जाता है। जब मैं यहाँ कौन सा क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये फुटबॉल सिलेक्ट करता हूँ इस केस में। तो हमारा ये टास्क होता है कि हम ये प्रॉपर वर्किंग करें। अच्छा, स्पेस जाता भी है तो बैकएंड पे हम लोग एक ट्रिम मेथड पढ़ते हैं। ट्रिम मेथड क्या करती है, आगे पीछे से स्पेस रिमूव कर देती है, नोट कर सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। ट्रिम करना हम बैकएंड पे पढ़ेंगे, आगे पीछे से स्पेस क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अगला कल के दिन फ्यूचर, या अभी शायद कुछों को समझ में आए कुछों को ना आए, नोटिस करना पॉइंट में बोल दे रहा हूँ। मैंने म्यूजिक और फुटबॉल सिलेक्शन किया, सी पे प्रेस किया, तो मेरे पास सी के पे म्यूजिक और सी के वन पे फुटबॉल जा रहा है। कल के दिन आप बैकएंड में एरे पढ़ेंगे एक टॉपिक, ठीक है। उस एरे का मतलब होता है यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सम वेरिएबल। एक किसी वैल्यू पर, एक नाम पर आप मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो एरे है, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ेंगे, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपको बोल रहा हूं। तो उस केस में इन फ्यूचर में आप जब यहां पर नाम लिख रहे हैं, जैसे अलग अलग लिखे हैं ना, ठीक है, तो आप यहां पर डेटा को सीके के अंदर ऐसा कुछ बिग ब्रैकेट बनाकर एरे में डेटा को ले जा सकते हैं, और बैकएंड में एरे में डेटा को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों के नाम क्या लिख रखे हैं, अलग अलग लिखे हैं, और अलग अलग करके भी आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी बस पॉइंट बोल दिए, इन फ्यूचर आपको खुद से आएगा, ठीक है। आज नहीं आएगा तो 6 महीने बाद जरूर आएगा, क्लियर। अच्छा, HTML में जैसे आपने एक फॉर्म बना रखा है, इस फॉर्म को अगर मैं टैग, देखो कुछ टैग्स बना रखे हैं इन्होंने, अगर मैं फॉर्म के अंदर एक टैग यूज करूं फील्ड सेट, और इस पूरे के पूरे फॉर्म को अगर मैं फील्ड सेट के अंदर डालू, ये टैग है, जिन टैग को यूज हम ऐसे करते हैं फील्ड सेट, और फील्ड सेट के अंदर अगर मैं एक टैग यूज कर दूं लेजेंड, इसके अंदर आया और मैंने एक टैग यूज कर दिया, कौन सा, लेजेंड, ठीक है। और इस लेजेंड पे लेट से मैंने ये लिख दिया कॉन्टेक्ट फॉर्म, ऐसा कुछ भी लिख दिया, नाम आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखे, ठीक है। बट लिखने का तरीका ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये HTML ने बनाया है। आप पेज पर आए वापस, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखो जब ये फॉर्म बन रहा है तो फॉर्म के बाहर क्या बन जा रहा है, एक बॉक्स बन जा रहा है, किससे बनता है, फील्ड सेट और लेजेंड। अच्छा, अगर मैंने लेजेंड के अंदर कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखा है तो कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखता है, अगर मैं लॉग इन फॉर्म लिखता तो क्या होता, लॉग इन फॉर्म होता है। बस बनाने का तरीका, अच्छा देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब एक स्टेप ऊपर है हम लोग, मुझे नहीं आता, ठीक है। तो मैं क्या करता, मैंने यहाँ पर फील्ड सेट HTML ऐसा सर्च किया, जाकर पेज पर देखा, WC स्कूल एक बेसिक वेबसाइट है जिससे आप सीख सकते हैं, देखो फील्ड सेट क्लोज, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था इन्होंने, लेजेंड लिखा था, ठीक है। मैंने इसे ट्राई इट योरसेल्फ, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, ध्यान रखना, अब मुझे पता है टैग होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आगे बढ़ा तो ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा था, ठीक है, इसी चीज को तो मैंने भी यूज करके दिखाया। किसने बना रखे टैग, W3C ऑर्गेनाइजेशन, आपके टीचर ने नहीं बना रखे, कितना ही हल्ला कर दे टीचर, ठीक है। टीचर क्या कर रहा है, बेसिकली एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा है, ऐसी चीज पे नोटिस करना है यही चीज। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर में जाते हैं, मान लो आपके पास मैं कोड लेके भेज देता, वैसे तो मैं हालांकि भेजता नहीं हूँ शुरू शुरू में, ठीक है, तो आप क्या करते, इस कोड को कॉपी करते, पेस्ट करते, रन कराकर चेक कर लेते, बस हो गया आपका काम, आपने कहा चल गया, हाँ चल गया सर,
बना दिया, हाँ बन गया, ऐसा काम नहीं करते। अभी आपके टीचर ने ये काम किया है, आपका काम क्या होना चाहिए, घर पे जाना चाहिए और पूरा का पूरा फॉर्म खुद से क्रिएट करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको आदत बनेगी। अच्छा सुबेरे आपने टाइप किया तो एक बार फिर करना चाहिए शाम को, मान लो आपने जाते ही अगर किया है 11 बजे, फिर करना चाहिए शाम को एक बार, ठीक है। जैसे पासवर्ड टाइप करते हैं ना मोबाइल पे, बार बार करते हैं तो आपको याद होता है, ऐसा वाला सिनेरियो, क्योंकि आपके दिमाग को फिर खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। क्या करना पड़ता है खुद से पता चलेगा, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, करके देखिए। अगले सिनेरियो पे मूव कर रहा हूं, तो ये बेसिकली मैंने फॉर्म बनाया। अच्छा फॉर्म के अंदर एक चीज और हो सकती है, मैं नई पेज पे बना दे रहा हूँ, मैंने एक नई फाइल बनाई, मेरे दिमाग में एक तो पॉइंट आ रहा है, जैसे मैंने एक पेज बना दिया पहले, फिर वो पॉइंट बोल रहा हूँ, प्रोफाइल 1.html, फिर एक पेज बना दिया। पॉइंट ये है कि सर आपने एक सेलेक्ट बॉक्स बनाया, नोटिस करना, ठीक है, आना चाहिए जो पॉइंट आना चाहिए वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, सर आपने ये ऑप्शंस बनाए थे, इस ऑप्शन पे सर मुझे अगर इंडिया की सारी सिटीज डालनी होती तो क्या सर मैं सेलेक्ट के अंदर सारे ऑप्शंस लिखता, HTML में लिखता, सिर्फ HTML होता तो मुझे लिखना पड़ता, क्योंकि HTML क्या है, स्टैटिक वेब पेज बनाता है, जैसा मैं लिखता हूँ वैसा ही लिखता है, ठीक है। बट सर ऐसे तो मैं ऑप्शन ही लिखता रह जाऊंगा, ठीक है। आपको हमेशा शॉर्ट सोचना होता है, ठीक है। अब आप IT में आए हैं तो ऐसा तो नहीं यार हजारों लाइन लिखते रहोगे, मैंने क्या करना है, अपने आप को लेजी बनाना है, तब मैं बेटर सोच पाऊंगा, ठीक है। मतलब कम टाइम पे मुझे ज्यादा काम करने का आउटपुट, ऐसा अपने आप को बनाना है। ये काम हो सकता है मगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का साथ लेकर, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक API क्रिएट करनी पड़ती है इन फ्यूचर, ठीक है। वो API कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, बनाएंगे किसी बैकएंड की लैंग्वेज को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, कुछ इस तरीके की API होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा फ्यूचर दिखाना जरूरी है कि क्या पढ़ा रहे हैं उससे फ्यूचर क्या बनेगा। मैंने लिखा शॉपिंग, ऐसा कुछ शॉपिंग API फ्री, ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट की API पे क्लिक कर दिया है, क्लिक, ठीक है। ये कुछ डेटा है, ठीक है, ऐसा डेटा है, ये बैकएंड से क्रिएट होता है, अभी हमें समझ में नहीं आएगा, ध्यान देना, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको जाना कहाँ है वो धीरे धीरे समझ में आता है, ये डेटा है। अब मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे गया जिससे मैंने रिफ्रेश किया, देख क्योंकि मैं आपको फ्यूचर दिखाते हुए चलूंगा तब आपको पता चलेगा कि हम इसको पढ़ते हुए फ्यूचर कैसे सीखते हैं। लेट्स सी, मैंने एक पर्टिकुलर फोल्डर WD 4PM के बैच में कुछ स्टूडेंट ने अभी अभी बना रखा ना, क्योंकि उन्होंने अभी अभी सिनेरियो बनाकर ही भेजा है ना। देखो देखो ये साइट दिख रही है आपको, देखना ये पीछे कहीं कोड लिखा है, ठीक है, एक स्टूडेंट ने भेजा है, मैंने नहीं बनाया, नोटिस करना। देखो ये शॉपिंग साइट बना रखी है ऐसा कुछ, ठीक है, पूरा डेटा आया, ऐड टू कार्ट, ये वो, ऐसे काफी सारे डिजाइन है जो स्टूडेंट ने किए, आप लोग भी ऐसा ही करने लगते हो। देखो ऋषभ ने किया है, अब कितने बजे, रात के 10:04 में, उससे क्या ना, मैंने तो नहीं किया, ठीक है, ये नंबर है, फोन करके पूछ लो, ठीक है। सामने में स्टूडेंट के आउटपुट है, थ्योरी का कोई लेना देना ही नहीं है,
ठीक है, साबा वाली ने कुछ ने किया है तो वो भी अभी मेरे को जो भी आउटपुट दे रहा है 10:46 में कभी किया है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में यही चीज आती है कि सर मैं शॉपिंग साइट बनाऊंगा या कोई सिलेक्ट वाला ऑप्शन, वही सिलेक्ट वाले पे फोकस रखना, ठीक है, उसके अंदर क्या सारे के सारे ऑप्शंस मैं बनाता नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मैं HTML का यूज किसी लैंग्वेज के साथ में करूंगा। ठीक है, जब मैं लूप वूप कुछ पढ़ूंगा, ठीक है, तो मेरा डेटा कहीं से आता रहेगा और कुछ से क्या होता रहेगा, बनता रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ूंगा तो इन फ्यूचर मुझे चीजें आ जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ वेब डिजाइनर के केस में। अब कोई बच्चा यहाँ पर सिर्फ वेब डिजाइनिंग कर रहा है तो वो तो प्रोग्रामिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका क्या यूज है, वो क्या करेगा, बेसिक सी वेबसाइट कैसी दिखेगी वो मेरे लिए बना देगा। ठीक है, जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा तो उसके डेटा को, जो उसने डेटा बना रखा है ना, उसी डेटा को मैं मॉडिफाइड कर दूंगा, वैसे एक लूप के अंदर डाल दूंगा, मेरा काम हो गया, मुझे क्या करने की जरूरत नहीं है, डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा पेज मेरे पास होगा, बस मुझे बता दिया जाएगा ये पेज है इस पर्टिकुलर जगह पर ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे कोडिंग के साथ में करना होता है ये सिनेरियो। ऐसा है आईटी का कि हम शुरू में जब धीरे धीरे ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तब हमें खुद से समझ में आ जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसमें ना हमें आगे सोचना होता है ना हमें पीछे सोचना होता है, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं खुद ही हम इंक्रीज करते चले जाते हैं। जैसे रोज क्रिकेट खेलने के लिए जाओगे तो ग्राउंड में खुद से खेलने लग जाओगे, ऐसा सिनेरियो होगा। अब जिनके आउटपुट में आपको दिखा रहा हूँ तो नहीं भी तो 2 या 3 महीने से पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तब जाके क्या कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बिल्डअप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट करना है। और डेटा यहां से आ रहा है, देखो इसे API बोलते हैं, ये एक JSON फॉर्मेट है, बैकएंड से बनाई जाती है, कुछ समझ में आ रहा है अभी पढ़ते समय। ठीक है, और कल के दिन यही चीज आपको आसान लगती है। ठीक है, ये चीज आपको आसान लगेगी जब डेटा आएगा, एरे है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, खुद ही समझ आने लगेगा। तो इसीलिए ना फ्यूचर की चिंता करो ना अपने पास्ट की चिंता करो, जो चल रहा है सिर्फ वो पढ़ो और उतना ही पॉइंट नोट करो। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि हमसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो HTML बेसिक सिनेरियो मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क किया, ऑल्ट प्लस जेड, यहाँ पर बॉडी पे एक टैग होता है, उस टैग का नाम है आईफ्रेम। ठीक है, आईफ्रेम एक टैग है, ये क्या करता है, किसी भी पेज को आप दूसरे पेज पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक लॉगिन पेज बना रखा है, लॉगिन पेज कहाँ, लॉगिन डॉट HTML पे। ठीक है, मान लो मुझे वो पेज यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, पूरा का पूरा पेज, जैसे फ्रेम होती है पिक्चर फ्रेम, ठीक है, वैसा। तो मैंने क्या किया, लेट से मैंने लिखा आई फ्रेम, और आई फ्रेम के अंदर SRC पे मैं सोर्स डाल सकता हूँ, कौन सा पेज चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उस पेज का नाम लिख दिया, कौन सा, लॉगिन डॉट HTML। फ्रेम का अगर बॉर्डर बनाना है तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, फ्रेम की अगर हाइट और विड्थ सेट करनी है तो आप हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। और यहाँ पर आई फ्रेम क्लोज है, मैंने कंट्रोल प्लस एस सेव किया, मैं प्रोफाइल 1.html वाले पेज को बना रहा हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर, आप देखो पेज का, चल कौन सा पेज रहा है। ठीक है, और कौन सा पेज इंक्लूड हो गया, लॉगिन। तो अगर आप किसी दूसरे पेज पर किसी पेज को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यूज क्या कर सकते हैं, आई फ्रेम का कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई इसका बॉर्डर दे सकते हो, तो आपने फ्रेम का लेट्स अगर बॉर्डर देना चाहते हो तो आपने बॉर्डर दे दिया, कोई भी एक बॉर्डर, लेट्स से मैंने 2 लिख दिया बाय डिफॉल्ट पिक्सल, मैं इसकी हाइट विड्थ दे सकता हूँ, लेट्स से मैंने इसकी हाइट दे दी कुछ भी 500 पिक्सल, और इसी तरीके से मैंने कुछ भी अभी रैंडम दी हाइट दे दी कितना 300 पिक्सल। तो आपके पास एक आई फ्रेम बना हुआ आ रहा है, जिस फ्रेम पर क्या है बन रहा है ना, एक बॉर्डर बन रहा है कुछ। ठीक है, आप इसका हाइट विड्थ दे सकते हैं और इस पर बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको कहीं दूसरी जगह पर पेज को इंक्लूड करना होगा तो आप आई फ्रेम का यूज कर सकते हैं।
अच्छा इसका यूज एक जगह पर है, मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। देखो अगर मान लो आपको अपनी वेबसाइट पर कोई यूट्यूब का भी चैनल आपका है, आपको उसे यूट्यूब के लिंक को लगाना है, ठीक है, तो आपको बस सिंपल सा काम करना है। मेरे पास अभी यूट्यूब नहीं चल रहा है, ठीक है, जैसे इंक्रोनाइज करना पड़ता है, तो बट आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, जो भी आपको यूट्यूब का लिंक चाहिए, वीडियो अभी मेरे पे रन नहीं करेगी, जैसे कोई भी एक वीडियो, मैंने कोई वीडियो उठाई, और इस पर्टिकुलर वीडियो पर क्लिक करा, ये वीडियो लेट से मुझे अपने वेब पेज पर चाहिए, ठीक है, तो जो वीडियो बनाई होगी, वीडियो बनाने वाले ने अगर ये परमिशन दे रखी है बनाते समय कि मैं इसे अपने पेज पर इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है, तब तो ये चलेगी। अगर उसने बनाते समय परमिशन नो कर रखी है तो ये वीडियो मेरे पेज पर नहीं चलेगी, ये पॉइंट है, ठीक है। आप अपनी बनाकर अपनी ऐड कर सकते हो, अपना वीडियो अपना चैनल बनाकर। आपने क्या किया, शेयर पर क्लिक किया, अगर इसे इंक्लूड करना है, एम्बेड पे क्लिक किया, यहाँ पर सारा आई फ्रेम का कोड लिखा पड़ा है, ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद लेट से मैंने इस आई फ्रेम के कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो भी कोड, ठीक है, विड्थ और हाइट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी सोर्स है उस सोर्स पर यूट्यूब के चैनल का नाम लिखा गया है, टाइटल का मतलब है कि अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाऊं तो यूट्यूब वीडियो प्लेयर ऐसा कुछ आए, फ्रेम बॉर्डर बाय डिफॉल्ट 0 है, उसके बाद जो भी ये कोड लिखा गया है, ये सारा का सारा कोड वीडियो के लिए होता है, वीडियो को रन कराने के लिए, ठीक है, ये जो लिखा है अलाउ एक्सेलरेटर ऑटो प्ले क्लिपबोर्ड राइट, जो भी कुछ लिखा गया है ये वीडियो को रन कराने के लिए, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्लस से सेव किया, अभी दिखाते हैं, सेव किया और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो मेरे पेज पर देखो अनेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि अलाउ नहीं होगा, ठीक है, अगर अलाउड होती तो ये वीडियो यहाँ पर चलते हुए दिखती, किसी भी वीडियो पर जिस पे भी आपको लगता है कि यार वो अलाउड है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंग्लैंड के टूर की मैंने लगाई है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बंदे की आप चेक कर सकते हैं ऐसे। लेट्स सी, कोडिंग इंटरव्यू सॉफ्टवेयर, लेट्स सी, मुझे इसे इंक्लूड करना है, मैंने शेयर किया, बैट पे क्लिक, कोड उठाया, कॉपी, और जहां पर भी यूज करना है वहां पर इसे यूज कर लिया, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, हाइट विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं पेज पर, देखो ये वीडियोस अलाउ नहीं कर रखे हैं बनाने वाले ने, ठीक है, ये बनाने वाले के ऊपर होता है, अगर अलाउड होती तो यहाँ पर मेरे को वीडियो चलती हुई दिखती, मुझे इसे हाइट विड्थ देनी होती तो आप अपना चैनल बनाकर उसे यूज कर सकते हैं, मुझे हाइट विड्थ देनी होती तो मैं इसके हाइट विड्थ 300 और यहाँ पर इसे 400 दे सकता हूँ, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, मैं अपना हाइट विड्थ चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास, मैंने ये बात बोली कि भाई ये चीज क्या है, वीडियो के लिए होता है, आपने सारे टैग पढ़ लिए हैं, नोटिस करना मेरी बात पे आप, ठीक है, मुझे पता है भाई अब टैग होता है, ठीक है, अगर मान लो मुझे पेज पर कोई वीडियो लगानी होती, ठीक है, मुझे नहीं आता टैग अब क्योंकि पढ़ाया नहीं टीचर ने, ठीक है, और मैं ये सोच के बैठता कि वीडियो टैग टीचर ने नहीं पढ़ाया तो मुझे नहीं आता है, ठीक है, काफी सारे इस तरीके के भी सोचते हैं कि भाई उसने पढ़ाया नहीं तो मुझे नहीं आता, ऐसा थोड़ी हो सकता है, विराट कोहली के कोच ने पाकिस्तान के जो बॉलर नए नए आते हैं उनके साथ खेलना थोड़ी सिखाया था क्या, ठीक है, तो आप दोष कैसे दे सकते हो अपने एजुकेशन सिस्टम और अपने टीचर्स को, ऐसे सिनेरियो को समझो, नहीं आता है ना तो मैंने क्या बोला, आपका सिनेरियो आपका आगे बढ़ने वाला है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप लेट से आपने गूगल किया, मैंने गूगल पर लिखा वीडियो टैग, वीडियो लगानी है पेज पर, क्या लिखा, वीडियो टैग है HTML, पढ़ना मुझे अब इतना आता है क्योंकि इतना तो मैं सीख चुका हूँ। वीडियो टैग को लिखने का तरीका क्या होता है, वीडियो विड्थ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स से कंट्रोल्स आते हैं, वो प्ले ऑटो पॉज ऐसा जो होता है ना, वो किससे आते हैं, कंट्रोल से आते हैं, नीचे लिखा हुआ है सब, ठीक है, और अंदर क्या देना होता है मुझे, सोर्स SRC, कौन सा सोर्स मुझे
लगाना है। और वीडियो टैग लास्ट में क्या करना पड़ता है, क्लोज। क्लियर होगी बात। अच्छा मैं नीचे गया, पहले इसे ट्राई इट योरसेल्फ पे रन कराकर देख लिया, ठीक है। तो कर सकते हैं ऐसा, एक MP4 डाउनलोड करके रख लो, ठीक है, और उसको क्या कर दो, इंक्लूड कर दो SSRC पे, चल जाएगी। ये जगह पर तो चेंज करना है, ठीक है, जो भी नाम होगा, जैसे a.jpg उसी की जगह पर a.mp4 जो नाम होगा। यहां पर आप आए, किस किस पे सपोर्टेबल है, MP4 सब जगह सपोर्टेबल है, OGG अगर फॉर्मेट होगा तो वो कहां सपोर्टेबल नहीं है, सफारी पे सपोर्ट नीचे लिखा है ना, There are 3 सपोर्टेड वीडियोस फॉर्मेट, MP4, WEVM और OGG। WEVM अगर फॉर्मेट होता है तो वो सब जगह सपोर्टेबल है, और MP4 भी सब जगह सपोर्टेबल है। अच्छा वीडियो पे, ऑडियो के अंदर मैं नीचे आया, ऑडियो पर हर एक पे लिखा है, देखो ऑटो प्ले का मतलब क्या है, स्पेसिफाई दैट द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज इट इज रेडी। अगर मैं ऑटो प्ले लिख दूं कहां पर, इसके साथ में कंट्रोल के साथ में ऑटो प्ले लिख दूं, तो जैसे ही वीडियो इंक्लूड होगी वैसे चलनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब यही तो है, ठीक है। अच्छा मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी जब मैं शुरुआत करा पढ़ना, तो मैं सिंपल सा सिनेरियो बताता हूँ यार, कुछ नहीं, मैं गूगल ट्रांसलेटर साथ में ऑन कर देता हूँ, एक टैब पर तो ये पढ़ रहा होता था, साथ में क्या कर देता था, गूगल ट्रांसलेटर, जो वर्ड की मीनिंग आती थी कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर पर हिंदी देख लेता था, ठीक है, उससे मेरे को इंग्लिश भी आ गई और हिंदी भी आ गई। सबसे बेस्ट सिनेरियो अपने आप पढ़ने का तरीका सीखना, ढूंढना पड़ता है। आप पेज पर आए, मैं आगे बढ़ा, तो इसी तरीके से आपका जो टास्क है वो दो टैग पढ़ना है मेरे लिए, वो टैग है एक तो वीडियो टैग और एक है ऑडियो टैग, ठीक है, आपका काम। फिर आप आगे आए, हाइट और विड्थ से क्या होता है, लूप दे देते हैं, क्या होता है, स्पेसिफाइड दैट द वीडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट इज फिनिश्ड। अगर मैं कंट्रोल्स के आगे लूप लिख देता तो क्या होता है, वीडियो जैसे ही फिनिश होती दोबारा से स्टार्ट हो जाती, दिखाया सामने में। तो एक तो टैग आपने पढ़ना है वीडियो, दूसरा पढ़ना है ऑडियो, ठीक है, क्लियर। एक MP3 डाउनलोड करके फोल्डर बना लेना या अलग से वैसे भी रख कर HTML में ऑडियो टैग समझ लेना एक, और एक समझ लेना कौन सा, वीडियो टैग, जिससे ना हो पाए उसको हम कल बता देंगे, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बस आपको एक MP3 चाहिए और एक क्या चाहिए, MP4 चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर गूगल पर अगर जाते हैं तो गूगल पे अगर, क्योंकि नंबर ऑफ टैग्स हैं जो जरूरी हैं वो, ये भी हालांकि जरूरी नहीं था बट किसी किसी बच्चों को ऐसा लगता है सर बता दो, तो वीडियो ऐसे सर्च किया तो वीडियो टैग आएगा, अगर आप गूगल पे जाते हैं और आप ऑडियो टैग लिखते हैं, और मैंने क्या बोला, पढ़ना नहीं है बनाकर देखना है, ठीक है, बनाकर देखोगे तो कुछ आ जाएगा, आगे इन फ्यूचर भी पता होगा कि ऐसे लिखा था मैंने। ऑडियो टैग, ऑडियो टैग में क्या दे सकते हैं, ऑडियो लिखना है बस, कंट्रोल्स सोर्स के अंदर जो भी आपने सोर्स डालना है, ठीक है। फॉर्मेट कौन से सपोर्टेबल है, MP3 और WAV सपोर्टेबल है, OGG सफारी पे सपोर्टेबल नहीं होता है, तो आप WAV फॉर्मेट की या फिर MP3 फॉर्मेट की एक वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑटो प्ले कंट्रोल्स लूप म्यूटेट ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टैग आप लोगों को पढ़ते हैं आज। आई फ्रेम का यूज बेसिकली किसी दूसरे पेज को अगर इंक्लूड करना है तब यूज होता है, कल इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ टैग्स पढ़ के CSS की तरफ मूव करेंगे। CSS से बना सकता हूँ, percentage में VHVW पढ़ाऊंगा तब बता दो, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, HTML में जो कॉमन टैग्स हैं जो आपको आने चाहिए वो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वो टैग है इमेज लगाना, लिंक बनाना, फॉर्म बनाना, लिस्टिंग करना, टेबल बनाना, ठीक है, ये कॉमन टैग्स हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी टैग नहीं भी आते हैं तो हम जिस समय जरूरत पड़ती है उस समय इंटरनेट का सारा लेकर बना दें, सब जावास्क्रिप्ट में, सब जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
जावास्क्रिप्ट के सारी जावास्क्रिप्ट है, जहां पे भी लॉजिक आएगा दिमाग में कि सर ऐसा करके ऐसा हो, सर मैं राइट क्लिक करूं तो ऐसा हो, सर मैं दो ही सिलेक्ट कर पाऊं, क्योंकि डिफॉल्ट पे अगर ऐसा नहीं है तो मैं जावास्क्रिप्ट से ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, कि दो ही सिलेक्ट हो, तीन सिलेक्ट होंगे तो मुझे क्या दे दे, एरर दे दे, ठीक है, मैं लेंथ निकाल कर एरे की वहां पर कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ, मेरे को याद दिलाना है, मैं बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, रिवाइज कीजिए और करके देखिए इसे, ये नहीं कि आपने पढ़ दिया ऐसा कुछ, सिस्टम चलाओ करके देखो।